हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो क्लास 7 का है, लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है, तो उस चैप्टर के रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा है न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसे फूड जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बोन्स बड़ी हो जाती हैं, हमारे मसल्स बड़े जाते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू होते हैं। और ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से है, फूड से मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का तो पता लग गया कि न्यूट्रिशन हमें से हमारे बॉडी में क्या होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कि न्यूट्रिएंट्स को हम उस मटेरियल को कह सकते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं राइस का, ठीक है, तो राइस को अगर देखा जाए तो राइस हमारा क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, क्यों है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो राइस को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। जैसे राइस हो गया, है ना, मिल्क हो जाएगा, तो ये भी क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट्स है। इस न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये भी हो गया, न्यूट्रिएंट्स भी हो गए। थर्ड है हमारा ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब देख, जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली कि न्यूट्रिशन होता क्या है, जिससे कि हमारी बॉडी को ग्रोथ हो सके। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है न्यूट्रिशन से, वो तो हमारा हो गया न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अब देखो न्यूट्रिशन के भी टाइप्स है। एक है आपका ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और एक दूसरा है हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ, प्लांट है, प्लांट अपना जो फूड कैसे डाउनलोड करता है, वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्व करता है और सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड डेवलप करता है। ठीक है, तो उस वो जो प्लांट है उसने क्या यूज किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज किया अपना खुद का फूड बनाने के लिए, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि विच सब्सटेंस दैट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऐसे फिर हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। ऑटोट्रॉफिक में जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से और वाटर से मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है और सनलाइट के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। ऐसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें वो वाले प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं या ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो किसी दूसरे से अपना फूड प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, कुछ ऐसे जंगली प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, है ना, तो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी उनका जो न्यूट्रिशन बन रहा है वो हेटरोट्रॉफ्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हेटरोट्रॉफ में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कुछ जैसे कि वो प्लांट्स हैं, जंगली प्लांट्स बोल देते हैं उसको, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिफ्थ है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही बनाते हैं। अब देखो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सिंपली एक ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर है। ठीक है, ये सॉइल है, ये ऊपर सॉइल है, ये नीचे, और इसके नीचे ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी
सॉइल है और ये क्या है आपका वाटर, ठीक है। अब ये नीचे से क्या करेगा, ये प्लांट इस वाटर से और इस सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो ये एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो कहाँ प्रिपेयर करते हैं, प्लांट से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे प्लांट्स, जो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। जो ये सनलाइट है, सनलाइट इस पे फॉल करेंगी, ये ऐसे ये सनलाइट इस पे फॉल करती है लीफ पे और ये मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है स्टेम के थ्रू, ठीक है। और ये यहाँ आती है, इसके थ्रू इनका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी प्लांट क्या कर रही है, नीचे से मिनरल्स अब्सॉर्ब कर रही है, वाटर अब्सॉर्ब कर रही है और सन के थ्रू एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी लीफ बनाया था तो जैसे ये प्लांट का लीफ है, प्लांट लीफ, तो प्लांट लीफ में क्या होगा कि इस लीफ में स्मॉल टाइप्स के छोटे 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 छेद होते हैं प्लांट्स उसके लीफ पे, ठीक है। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं आपके, वही जो छेद होते हैं इसी छेद को हम, इसी जो स्मॉल टाइप्स के जो होल्स होते हैं प्लांट्स पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इस छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। दूसरा है आपका क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल हम कैसे पता लगाते हैं, क्लोरोफिल एक आपका पिगमेंट है, ठीक है। वो क्या करता है, क्लोरोफिल के थ्रू ही ये जो आपका लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगर लीफ पे क्लोरोफिल ना हो तो वो ग्रीन कलर का नहीं हो पाए, ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है या फिर ये लीफ होता है। जब तक लीफ पे क्लोरोफिल प्रेजेंस है तब तक वो लीफ क्या होगा, ग्रीन होगा। जैसे ही लीफ पे से क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है तो उस लीफ का क्या होगा, कलर जो है वो चेंज हो जाता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जब पतझड़ का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल सारे लीफ पे से हट जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है आपका अल्गी। अब देखो अल्गी क्या होता है, अल्गी जैसे कि आपने पानी के ऊपर देखा होगा साइड में कॉर्नर पे कहीं पे भी, तो वहां पे एक ग्रीन कलर की एक ऑर्गेनिज्म जम जाता है, ठीक है। उसको हम अल्गी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं, है ना। वो ग्रीन कलर का एक मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसी को हम अल्गी कहते हैं, ठीक है। वो काई की तरह कहीं भी ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर में वो कहीं पे जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी ये हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये पार्ट वन है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे हेटरोट्रॉफ। अभी हमने ऑटोट्रॉफ का कंप्लीट कर लिया प्लांट का, अब हम हेटरोट्रॉफ पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफ्स के जो प्लांट्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने इतना पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।